हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाश्चात्य ज्योतिष यानी कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक ज्योतिष जिसे भारतीय ज्योतिष भी कहते हैं यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी या इंडियन एस्ट्रोलॉजी, इसमें फ़र्क क्या है, अंतर क्या है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसमें जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो गणनाएँ होती हैं, वो सूर्य के मूवमेंट पर है यानी कि वो सूर्य पर आधारित होती है। जन्म के समय सूर्य जिस राशि में होता है वही सूर्य राशि यानी कि सनसाइन बन जाता है। इधर जो भारतीय ज्योतिष है वो चंद्रमा के मूवमेंट पर आधारित होती है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है वही चंद्र राशि यानी कि मून साइन बन जाता है। पाश्चात्य ज्योतिष यानी कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में 10 ग्रहों यानी कि 10 प्लैनेट्स का इस्तेमाल होता है, यूज़ किया जाता है। ये 10 ग्रह हैं सन, मून, मार्स, मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। लेकिन अगर बात भारतीय ज्योतिष की करें तो इसमें 9 प्लैनेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लैनेट्स हैं सन, मून, मार्स, मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सायन पद्धति का इस्तेमाल होता है, लेकिन पाश्चात्य ज्योतिष के ठीक उलट वैदिक ज्योतिष में निरायना पद्धति का इस्तेमाल होता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में प्रोग्रेस्ड हॉरोस्कोप का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे 1 day इज इक्वल टू 1 year इज द बेसिक रूल, इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर बात भारतीय ज्योतिष की करें तो यहाँ पे विंशोत्तरी दशा सिस्टम के हिसाब से ग्रहों की महादशाएं फिक्स होती हैं, जैसे राहु के लिए 18 साल, शुक्र के लिए 20 साल। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में फ्रेंडली हाउस या एनमी कैंप या इक्वल हाउस का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहीं इंडियन एस्ट्रोलॉजी में मित्र का घर, शत्रु का घर, समान भाव, ये सभी कॉन्सेप्ट्स शामिल हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों के बीच की दूरी अहम होती है, लेकिन अगर बात इंडियन एस्ट्रोलॉजी की करें तो यहाँ ग्रहों के सातवें भाव से ग्रहों का ऊंचा या नीचा होना फिक्स होता है। जैसा आपको बताया, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी थोड़ी अलग है और यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस होते हैं उसमें स्टार्स का यूज नहीं होता है, लेकिन इंडियन एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स, 27 स्टार्स और 12 साइंस का इस्तेमाल होता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय जोडियक यूज किया जाता है, लेकिन इंडियन एस्ट्रोलॉजी में साइड्रियल नक्षत्रों और तारों का यूज किया जाता है। अगर बात प्रिडिक्शंस की करें तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सन जो है वो एक साइन से दूसरे साइन में 30 दिनों में जाता है, इसलिए प्रिडिक्शंस ज़्यादा सही नहीं होते हैं। लेकिन अगर बात इंडियन एस्ट्रोलॉजी की करें तो यहाँ पे मून जो है वो बेसिक रोल प्ले करता है और मून 2.25 दिनों में एक साइन से दूसरे साइन में चला जाता है, इसलिए प्रिडिक्शंस सही होने के चांसेस यहाँ ज़्यादा हैं। इसके साथ ही वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पे गुड हाउस, बैड हाउस, ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर बात इंडियन एस्ट्रोलॉजी की करें तो यहाँ पे गुड हाउस, बैड हाउस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, यानी कि ग्रह किस भाव में बैठे हैं। अच्छे घरों में बैठे हैं तो अच्छे फल देंगे, बुरे भाव में बैठे हैं तो बुरे फल देंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में और क्या क्या फ़र्क है। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कुंभ जो राशि होती है उसका स्वामी यूरेनस को बताया जाता है, लेकिन बात अगर इंडियन एस्ट्रोलॉजी की करें तो आप सभी जानते हैं कि कुंभ राशि का जो स्वामी होता है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शनि को बताया जाता है। इसी तरह से जो मीन राशि होती है उसका वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में स्वामी नेपच्यून को बताया जाता है, लेकिन अगर बात इंडियन एस्ट्रोलॉजी की करें तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। इसी तरह से जो वृश्चिक होती है राशि, स्कॉर्पियो, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसका जो स्वामी होता है उसे प्लूटो को बताया जाता है, लेकिन अगर बात इंडियन एस्ट्रोलॉजी की करें तो वृश्चिक राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। बात अगर कुंडलियों की करें कि वो कैसे दिखते हैं, तो
तो वेस्टर्न बर्थ चार्ट जो होता है वो राउंड शेप का दिखता है, गोलाकार दिखता है। लेकिन अगर जो वैदिक बर्थ चार्ट देखें तो वो करीब करीब स्क्वायर वर्गाकार या कभी कभी आयताकार दिखता है। और खास बात जो ये है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई महत्व नहीं है। वहाँ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसे नहीं देखा जाता है, लेकिन भारतीय ज्योतिष में राहु केतु का खास महत्व है। विंशोत्तरी दशा सिस्टम में राहु और केतु इन दोनों ग्रहों के लिए अलग अलग जो हैं वो साल निर्धारित किए गए हैं। जैसे राहु की महादशा 18 साल की होती है और केतु की महादशा 7 सालों की होती है। बात अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की करें तो जो प्लूटो है यानी कि यम, उसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 साल लगते हैं। ये 248 साल पृथ्वी के एक साल के हिसाब से कैलकुलेट किए गए हैं। इसी तरह जो वरुण है, नेपच्यून है, उसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 165 साल लगते हैं। और जो यूरेनस है यानी कि अरुण, उसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 साल लगते हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय ज्योतिष में इन ग्रहों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि एक एवरेज आदमी की जो आयु होती है वो 70-80 साल की होती है। ऐसे में अगर इन ग्रहों को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी तो इनके मूवमेंट में इतना ज़्यादा समय लगता है कि ये किसी आदमी पे क्या खास प्रभाव डाल सकेंगे, इसका कैलकुलेशन करना बहुत ही मुश्किल लगता है। इसके बाद अगर खास बात की जाए तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कुछ खास उपाय नहीं बताए जाते हैं। अगर किसी को किसी तरह की मुश्किलें आ रही हैं तो उसका इलाज क्या हो सकता है, ऐसा कोई प्रावधान वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नहीं किया जाता है। हाँ, अगर बात इंडियन एस्ट्रोलॉजी की करें तो यहाँ पे कुंडली देखकर कई सारे उपाय बताए जाते हैं, शांति पूजा करवाई जाती है, दान दिए जाते हैं और रत्न भी बताए जाते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कलर थेरेपी के ऊपर में कुछ काम किया गया है, लेकिन भारतीय ज्योतिष में खासतौर पे रत्न विज्ञान यानी कि जो जेम्स टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर खासा जोर दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आया होगा कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करता है और इनमें क्या क्या बेसिक डिफरेंस है। बात अगर कैलकुलेशन की जाए तो निश्चित तौर पे जो भारतीय ज्योतिष है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो ज़्यादा सटीक इन्फॉर्मेशन देता है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि जो सूर्य राशि होती है वो पूरे एक महीने के अंदर जन्मे सारे व्यक्तियों को एक जैसा ही ट्रीट करती है, एक ही राशि के अंतर्गत रखती है। जबकि एक महीना एक लंबा समय होता है, 30 दिनों के अंदर काफी सारे लोगों की जन्म होती है और इनके गुण अलग अलग होते हैं। तो इतने समय तक एक ही राशि के अंतर्गत इतने लोगों को रखना लॉजिकल नहीं दिखता। वहीं भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा के हिसाब से जो कैलकुलेशन होता है, और चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि को परिवर्तन करती है, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो 2-2.25 दिन 3 दिन के अंदर जिन लोगों का जन्म हुआ है उनके अंदर एक से गुण आ सकते हैं। और इस तरह से अगर महीने में देखें तो 30 दिनों के अंदर कम से कम 10 अलग अलग राशियों के अंदर लोगों का जन्म हो सकता है। और इस तरह से ये कैलकुलेशन ज़्यादा सटीक दिखता है, ज़्यादा सही दिखता है। तो दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और नीचे कमेंट्स कर बताइए कि आप किस तरह के वीडियोस को और इस चैनल पर देखना चाहेंगे। थैंक यू।